हेलो एवरीवन, सीयूटी एडमिशन सीरीज में लगातार आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे कि आज तक की टोटल क्या अपडेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की तरफ से, किस में एडमिशन ओपन है और किस में एडमिशन जो है क्लोज हो चुके हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 महीने से चल रही सीयूटी 2022 की काउंसलिंग अभी एंडिंग मोमेंट पे आ चुकी है। बहुत सारी काउंसलिंग बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटी ने अपनी काउंसलिंग बंद कर दी है, अपनी क्लासें लगातार स्टूडेंट की चल रही है। अब कुछ कॉलेजों की, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें तो यहाँ पर 60+ गवर्नमेंट कॉलेज जा जाते हैं, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किसका क्या अपडेट है और किस में कितनी सारी सीटें बची हुई है, तो टोटली सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कॉलेज आता है गाइस, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम AMU बोलते हैं, उसके एडमिशन लगातार चल रहे हैं। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है असम यूनिवर्सिटी सिलचर। असम यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है वैकेंसी एंड जो है लोट में रिलीज किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर क्या नशे करके ये लोग डालते हैं अपडेट। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सेकेंड थर्ड और जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक साथ मर्ज करके डाला जाता है, ताकि स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता कि आखिरकार उसका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट के हमको कॉल आते हैं कि भैया हमारा नाम इसमें कॉमन में भी है, हमारा ओपन में भी है, तो फिर हुआ सिलेक्शन हुआ किसका है। हालांकि जब लॉगिन पेज पे लॉगिन करके मिलते हैं तो पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। उसके बाद यार बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से जैसा कि थर्ड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है कोई भी अपडेट स्टूडेंट के लिए नहीं डाला गया है। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। हालांकि यहाँ पर 16 नवंबर को जो है नोटिस रिलीज हुआ है PG के अलॉटमेंट से रिलेटेड, जो कि फिफ्थ अलॉटमेंट था, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। ओके, और जो भी स्टूडेंट एडमिशन हो चुका है उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी में जो है हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में ज़रूर से पता कर लें और हॉस्टल में जो है ज़रूर से एनरोल कर लें। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, वो ज़रूर से एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें यार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहाँ पर एडमिशन ऑलमोस्ट चल रहे हैं अभी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिशन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीटें लेफ्ट कर देते हैं। हालांकि ऐसे कॉलेजों के अंदर MA एंड जो PG वाले बच्चे हैं उनको बहुत सारे इश्यू फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्लेसमेंट एंड अदर। तो जो भी स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जो कि PG के स्टूडेंट हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि यार आप लोगों को जो है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एंड अदर में प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यू फेस करने पड़ सकते हैं। PG प्रोग्राम की जो मेरिट लिस्ट है उनकी काफ़ी पहले रिलीज कर दी गई थी, 7-8 नवंबर को रिलीज की गई थी मेरिट लिस्ट PG प्रोग्राम के लिए। हालांकि आपको यहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो इश्यू आते हैं रिगार्डिंग द प्लेसमेंट स्पेशली PG प्रोग्राम के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ। गुजरात की अगर अपन बात करें तो आपको जानकारी के लिए पहले भी बताया गया था कि 14 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है कोर्सेज के लिए, 3 कोर्सेज के लिए फिर से स्टार्ट किए गए थे। आप लोगों ने अगर रजिस्टर किया हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो बेसिकली वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन थे जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ कोर्सेज थे जिनके फिर से ओपन हुए थे, बिकॉज वहाँ पे जो सीटें अवेलेबल थी, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड सोशल मैनेजमेंट, इसके साथ ही बैचलर ऑफ आर्ट्स होनर्स इन चाइनीज, उसके साथ ही बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्मन स्टडीज के अंदर फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए थे। उसके बाद अगर अपन बात करें यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो IGNTU की अपडेट आती है। बहुत सारे स्टूडेंट यार उम्मीद लगाए बैठे हैं IGNTU से कि IGNTU की थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या स्पोर्ट राउंड होगा, स्पेशली UG के भी 2 राउंड आ चुके हैं, PG के भी 2 राउंड आ चुके हैं। तो गाइज डोंट वरी, यहाँ पे जो या तो स्पोर्ट राउंड या ओपन काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग जो भी है जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद यार एक काफ़ी बड़ा काउंसलिंग CUET में DU के बाद जिसको माना जाता है या फिर BHU अलीगढ़ के बाद, वो है हिमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और मेजोरिटी ऑफ द बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जिसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। यहाँ पे लगातार यार अपडेट आती रहती है कोर्सेज से रिलेटेड, बहुत सारे स्टूडेंट को लगातार डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ज़रूर से लगातार विजिट करें,
हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे 18/11/2022 यानी कि टुडे बहुत सारे नोटिसेस अपलोड हुए हैं। इसके रिगार्डिंग हमें हिस्ट्री का भी नोटिस आया है, इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे सेकंड मेरिट लिस्ट आया है हमें इंग्लिश का, थर्ड मेरिट लिस्ट हमें हिस्ट्री श्रीनगर कैंपस, उसके बाद जस्ट लाइक मास्टर ऑफ आर्ट्स एमएड सेकंड मेरिट लिस्ट आया, इसके बाद एमएससी फिजिक्स का आया है, ठीक है। बहुत सारे नोटिसेस लगातार आते रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो आप लोग जरूर से विजिट करते रहे। उसके बाद अपडेट आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान की तरफ से यूजी एंड पीजी दोनों के दो दो अलॉटमेंट आ चुके हैं, सेकेंड राउंड आ चुके हैं यूजी के भी पीजी के भी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर बहुत सारी सीटें वैकेंट रहने वाली है, तो आप लोग स्पोर्ट राउंड में जो जरूर से पार्टिसिपेट करें अगर आपको मौका मिलता है तो। और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बच्चे रजिस्टर हुए हैं आपको जरूर से मौका मिलेगा, क्योंकि जिनको अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ है हो सकता है उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं अलॉटमेंट हो चुका है, राइट। तो इस बात का सारे के सारे बच्चे जो है जरूर से ध्यान रखेंगे। जिन भी बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है वो बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो यार यहाँ पर ऑलरेडी एडमिशन के लिए स्पोर्ट राउंड कंडक्ट किया गया था, काफ़ी दिन हो चुके हैं। एंड फॉर बेटर अपडेट के लिए अभी आप लोगों को एक काम कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करके आपके डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी आपको दे रखा होगा या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा होगा, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अगर सीटें अवेलेबल है तो उस मोमेंट पर आप एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाइस आपके पास ज़्यादा कुछ टाइम बचा है नहीं फॉर स्पेशली एडमिशन प्रोसेस 2022। उसके बाद यार अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड जम्मू के बारे में, तो हालांकि अभी हमने जो एक यूनिवर्सिटी के बारे में देखा था इसके रिगार्डिंग काफ़ी दिनों से वो कोई भी नोटिस नहीं डाल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप लोग हॉस्टल का जरूर से ध्यान रख लें, और बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली जो लोग आउट ऑफ स्टेट रहते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हॉस्टल को अडॉप्ट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब खाना थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं मिलेगा लेकिन हाँ सेफ्टी एंड अदर इश्यूज आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग चूज कर सकते हो। स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में बहुत दिनों पहले ही स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में स्पोर्ट राउंड कंडक्ट हो चुका है, ऑनलाइन काउंसलिंग भी कंडक्ट हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करते हैं, अभी विजिट कर लेते तो गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर जो है बहुत सारी सिलेक्शन लिस्ट वगैरह वगैरह देखने को आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड यहाँ पे भी जो है ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है, और ये क्या नोटिस है वो भी अपन आपको बता देते हैं, ठीक है। तो गाइज दिस इज द वेरी गुड अपडेट, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोगों ने अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को मजा आ गया होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ये जो भी कश्मीर है इसकी तरफ से ओपन काउंसलिंग के लिए क्या नोटिस है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइज यहाँ पर लिखा गया रिगार्डिंग द ओपन काउंसलिंग प्रोसेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो गाइस इससे बहुत बढ़िया अपडेट हो ही नहीं सकती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का ये कहना है कि जिन लोगों ने सीयूईटी नहीं दिया कोई बात नहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यार, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है 20 तारीख तक का आप लोगों को टाइम दिया गया है, साथ में जो आप लोगों को यहाँ पे नोटिस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। 20 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दिस प्रोसेस, सीयूईटी यूजी पीजी जो भी स्टूडेंट है स्पेशली पीजी वाले ही है, जैसे कि एमए हो गया, एमए रीजन हो गया, पीजी डिप्लोमा हो गया, एमए जर्नलिज्म हो गया, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो गए, ठीक है, बीएससी एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड हो गया, यूजी वाले के लिए भी है, एमटेक सीएस एंड एमए उर्दू एंड जस्ट लाइक एमए कश्मीरी, बीवॉक टूरिज्म, बीवॉक आरएलएम, एमटीटीएम, ठीक है, एमएस एमकॉम एंड अदर 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 जो भी स्टूडेंट है जरूर से अपलोड करो। जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया वो भी डालो, जिन्होंने सीयूईटी दिया वो भी डालो,
सारे के सारे बच्चे जो है यहाँ पे जाके जरूर से अप्लाई कर सकते हो। इससे बढ़िया मौका आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा तब किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पिछड़ गए थे, सीयूटी नहीं दे पाए थे, इसलिए आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की अगर अपन बात करें तो यूनिवर्सिटी की अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से तो ऑलमोस्ट ये मतलब जस्ट लाइक वो अपडेट नहीं दिखा रहा, पहले वाली सारी की सारी दे रखी है जैसा कि पहले दे रखा था, जो भी लास्ट लिस्ट थी स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अभी सेकेंड राउंड दोनों कोर्सेज का आ चुका है। उसके बाद अगर अपन देखें यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की तरफ से, तो उड़ीसा की तरफ से आज तक क्या अपडेट है, क्या सारा सीन होने वाला है या फिर हो चुका है, ठीक है, तो वो भी देख लो। तो गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में जैसा कि हमने पहले देखा था 11 तारीख को जो स्पोर्ट राउंड हुआ था, अभी आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप लोग उनके डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो अगर उनके पास सीटें बचती है तो, शायद अगर उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। अगर बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि कॉलेज ये कभी नहीं चाहता कि उसकी सीटें खाली पड़ी रहे, कोई ना कोई बच्चा फ़ायदा उठाए, हो सकता है जो बच्चा पढ़े भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, तो इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई सीटें अवेलेबल होती तो यार दे देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है। तो आप लोग बस ईमेल डाल सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे अपन, साउथ बिहार में ऑलमोस्ट एंडिंग पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में क्या सारा सीन रहा है, कश्मीर में आप लोग जरूर से अप्लाई कर देना, ठीक है। तो गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, पुराने नोटिस आ रखे हैं, पहले वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में दो नोटिस आ गए हैं, इसके बाद जस्ट हो सकता है अभी थर्ड राउंड आ जाए या फिर स्पोर्ट राउंड, जो भी हो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद श्री गौड़ यूनिवर्सिटी जो इसमें ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड बहुत सारे कोर्सेज में चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेज में लगातार एडमिशन चल रहे हैं स्पोर्ट राउंड के लिए, हालांकि बहुत सारे कोर्सेज के लिए बच्चों को बुलाया गया था, यहाँ पर भी 10 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड चला है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। हालांकि आपका जो नया साल है वो जाने वाला है बच्चों, तो इस साल को यहाँ पे देख सकते हो बीए का जो काउंसलिंग है सेकेंड राउंड का वो 20 नवंबर को है, पीजी का थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन जो है वो आप लोग देख सकते हो, सीटें वगैरह जो भी वैकेंट है, एंड जस्ट वेबसाइट पे विजिट करते रहो यार, और जिन भी बच्चों का हो जाता है वो अपनी फीस पेमेंट करो। उसके बाद हमारा जीजीयू बिलासपुर जी आता है, जीजीयू बिलासपुर में हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पोर्ट राउंड हो चुका था, और बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी जो है आई थिंक 21 तक का टाइम था शायद, तो आप लोग देख सकते हो स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग वहाँ पे भी नोटिस दिया गया है। स्पोर्ट राउंड आप लोग जरूर से अप्लाई कर सकते हो, ₹500 रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जिनको बीटेक या बी फार्मा एंड अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो वो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीटेक का स्पोर्ट राउंड चल रहा है जैसा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप लोग चेक कर सकते हो, बीटेक के स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग पहले भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड और क्या न्यू नोटिस आया रिगार्डिंग द एडमिशन, लेटेस्ट अपडेट्स में जाएंगे अपन, लेटेस्ट न्यूज अभी बताते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। हालांकि आपको 13 मिनट हो चुके हैं वीडियो को देखते हुए, आई होप यू आर नॉट बोरिंग, ठीक है, तो बस इतना तो करना पड़ेगा यार थोड़ा सा। कुछ और कॉलेजों की अपडेट जान लेते हैं, हिमवती गढ़वाल का हमने डाल लिया, इंदिरा गांधी का जान लिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया का उसका अदर प्रोसेस है, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी ये जो भी इसमें ऑलरेडी हो चुका है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हो चुका है। मणिपुर यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें भैया, इसकी तरफ से क्या अपडेट है, मणिपुर यूनिवर्सिटी में क्या स्पोर्ट राउंड हो रहा है या हो चुका है, तो इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि यहाँ पे वाईफाई रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म भरा जाता है, क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे अपन देखें तो पीजी की लगातार लिस्टें आती जा रही है,
ठीक है, पीजी वाले बच्चों के लिए तो ऑलमोस्ट लिस्टें आ रही है। अगर अपन यहाँ की बात करें जस्ट लाइक सी यूनिवर्सिटी की स्पेशली, ये जो नॉर्थ के जो कॉलेजेज है यहाँ पे आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। मणिपुर हो गया, शिलोंग, मेघालय हो गया, राइट, इनमें जो है एडमिशन अभी स्पोर्ट राउंड वगैरह चल रहा है, तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहे टू गेट द एडमिशन। ये जो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी आपको काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज है इसमें भी। उसके बाद यार अपन देखें मिजोरम यूनिवर्सिटी, जो कि मिजोरम के अंदर है, आइजोल जिसकी जो भी है, ठीक है, राजधानी, तो इसमें भी आपको काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा। तो आप लोग NIRF रैंकिंग इसकी 78 है, जो कि काफ़ी अच्छी है, एंड इसमें भी आपको यार काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोग एडमिशन सेक्शन पे जाके, स्पोर्ट राउंड अभी इसमें भी चल रहा है, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन नीचे बढ़े आगे तो नागालैंड यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एडमिशन चल रहा है अभी स्पोर्ट राउंड वगैरह वगैरह, तो इसका भी देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। इसमें भी लगातार चल रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यार, जो है ये नेहू काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसमें भी अभी एडमिशन चल रहा है, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पीजी वाले बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एविएशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज करवाता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, सिक्किम में बहुत लो मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। तेजपुर में भी इफ्लू में एडमिशन चल रहा है, त्रिपुरा में चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में पहले बुलाया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से थर्ड राउंड आ चुका है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर स्पोर्ट राउंड थर्ड भी या स्पोर्ट राउंड ओपन काउंसलिंग कंडक्ट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए सारे बच्चे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन चल रहे हैं, विश्व भारती में भी चल रहे हैं। इस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हमने पूरी कर ली है। उसके बाद अपन देखें कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे आपको स्पोर्ट राउंड ओपन काउंसलिंग में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं। बात करें बरकोटला यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है ऑलमोस्ट लास्ट राउंड लास्ट पेज स्पोर्ट एडमिशन कंप्लीटेड एडमिशन ऐसा मान सकते हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, CUET वाले बच्चों के लिए आप लोग जरूर से रजिस्टर कर सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स लास्ट राउंड फेज में एडमिशन है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, लास्ट राउंड में काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। जीवाजी यूनिवर्सिटी बहुत घटिया कॉलेज, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप अगर अपनी पहुँच के हिसाब से देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो आप ले लें। MUT यहाँ पे ऑलरेडी एक बार स्पोर्ट राउंड हो चुका है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखते रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले आपको 18 तारीख को बुलाया गया था ऑफलाइन स्पेशली इधर उधर कोर्सेज के लिए, यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्राइमल जस्टिस जोधपुर जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। SMVT श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट राउंड ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कॉलेज है, डायरेक्टली एडमिशन हो रहे हैं। उसके बाद कुछ डिम्ड यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, जो कि ना कि प्राइवेट है ना कि गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट जो है सिस्टम इसको चला रहा है, इंडिविजुअल सिस्टम, जो कि मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। स्पेशली जामिया हमदर्द काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय में भी एडमिशन चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेज आ जाते हैं जिनको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, तो उन घटिया कॉलेजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आप लोगों को एडमिशन अगर लेना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप लोगों को कोई क्वारी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। CUET एडमिशन 2022 की अगर मैं बात करूँ, अगर इसको रेटिंग दी जाए तो इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5 के ऑप्शन है। अगर माइनस में होता तो मैं माइनस वाला दबाता। जिस प्रकार से एडमिशन कंडक्ट हुआ है, मैं बहुत सारे इशू फेस करने पड़े हैं,
मतलब जितने ज्यादा बच्चों को नहीं हुए उतने ज्यादा यूट्यूबर्स को हुए हैं। हालांकि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करते हो रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस, तो ये पता चलता है कि यूनिवर्सिटी वालों को हेल्पलाइन नंबर पर जो नंबर दे रखा है उसको खुद को नहीं पता है कि एडमिशन कैसे होना है। वो खुद बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिए, जो कि काफी ज्यादा गलत है। राइट, सो यूनिवर्सिटी वालों सुधर जाओ। ठीक है, थैंक यू।